नमस्कार दोस्तों, मैं हितेंद्र चौधरी, लाइब्रेरियन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था ट्रिपल आरएलएफ के बारे में, पूरी डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन की। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, ट्रिपल आरएलएफ के प्रथम निदेशक कौन थे? जो हमारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? बात करें हम एम ओ थॉमस, बी पी बरुआ, आर के दास गुप्ता या बी एस केसवन। तो इसका राइट आंसर है बी पी बरुआ। बी पी बरुआ इसका राइट आंसर है, क्योंकि एम एस थॉमस हैं वो आई एल ए के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें आर के दास गुप्ता की, तो वो थे अपने जो नेशनल लाइब्रेरी थी उसके प्रथम डायरेक्टर थे आर के दास गुप्ता। बात करें हम बी एस केसवन की, तो वो अपने जो स्वतंत्र भारत का नेशनल लाइब्रेरी है 1948 में बी एस केसवन जो कि उसके प्रथम लाइब्रेरियन बने थे बी एस केसवन। तो इसमें आर एल एफ के प्रथम निदेशक कौन है? तो वो है अपने बी पी बरुआ। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आरएलएफ का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? जो अपना ट्रिपल आरएलएफ है उसका जो सेंटर जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुखर्जी नगर, नई दिल्ली, साल्ट लेक, कलकत्ता या मुंबई या चेन्नई। अब हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर है इसमें साल्ट लेक कलकत्ता। साल्ट लेक कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम बात करें इसके जोनल कार्यालयों की, तो इसके चार जोनल कार्यालय हैं, चार जोनल कार्यालय हैं जिसको जिसमें आदि मूच। अब हम बात करें इसके चार जोनल कार्यालयों की, तो उसके चार जोनल कार्यालय में सबसे पहला है असम, फिर है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। चार इसके जोनल कार्यालय हैं जिसमें पहला है असम, असम दूसरा है दिल्ली, दिल्ली और चौथा तीसरा है मुंबई, मुंबई और पांचवा है चेन्नई, चेन्नई। तो इसके चार जो जोनल कार्यालय हैं चार हैं, पहला है असम, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई और चौथा है चेन्नई। तो ये चार तो इसके जोनल कार्यालय हो गए और उसका जो साल्ट लेक कलकत्ता में वो इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब हम बात करें ट्रिपल आरएलएफ की स्थापना की, तो ट्रिपल आरएलएफ की स्थापना कब हुई थी? तो जो ट्रिपल आरएलएफ है अपना उसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करें 1955, 1933, 1972 और 1946, 1972 में ट्रिपल आरएफ की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर क्या है? 1972, क्योंकि 1940 में यूनेस्को की हुई थी और 1933 में अपनी हुई थी आईएलए की और 1955 में हुई थी अपनी आईजीएलए की स्थापना। तो जो आरएलएफ की स्थापना वही हुई 1972 में। अब हम बात करें निम्न में से ट्रिपल आरएलएफ का प्रकाशन नहीं है। ट्रिपल आरएलएफ कुछ प्रकाशन जारी करता है जिसमें से कौन सा ऐसा प्रकाशन है जो ट्रिपल आरएलएफ का नहीं है? नहीं है की बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्रंथाना, टैगोर बिब्लियोग्राफी, आरएलएफ न्यूज़लेटर या इन्फॉर्मेटिक्स। तो हम बात करें ग्रंथाना की, तो वो है, टैगोर बिब्लियोग्राफी भी है और आरएलएफ न्यूज़लेटर भी है, और अपना इन्फॉर्मेटिक्स जो नहीं है, इन्फॉर्मेटिक्स नहीं है क्योंकि ये यूनेस्को का एक प्रकाशन है इन्फॉर्मेटिक्स। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एचडीआई जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो अपने भारत में जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनके लिए जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो प्रदान किया जाता है ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा। ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रदान किया जाता है आरएलएफ के द्वारा। अब हम बात करें इनके पहले क्वेश्चन की, तो आरएलएफ के प्रथम निदेशक कौन है? वो है अपने बीपी बरुआ। बात करें हम दूसरे की, तो आज का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो वो है अपना साल्ट लेक कलकत्ता में, जिसके चार जोनल हैं वो आपको ये बताएं। और ट्रिपल आरएलएफ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1972 में। बात करें हम निम्न से ट्रिपल आरएलएफ का प्रकाशन नहीं है, नहीं है कौन सा नहीं है? इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि ये यूनेस्को का है। जो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है वो किसके द्वारा चलाया है? वो चलाया है ट्रिपल आरएलएफ के बारे में, ट्रिपल आरआरएलएफ के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। तो दोस्तों, आपने पढ़ लिए होंगे पांच क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छठे की, कि आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था का कार्यालय कहां पर है? जो आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था का कार्यालय कहां है? ये क्वेश्चन अपना जो आया था वो केबी 2018 में केबीएस की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था है, जो अपनी ट्रिपल आरएलएफ है, ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा आईएसबीएन जो एक मतलब बुक का यूनिक नंबर होता है वो प्रदान की जाती है ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा, जिसका जिस उसका कार्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता, नई दिल्ली, चेन्नई या असम। तो उसका जो कार्यालय है वो है नई दिल्ली में। कलकत्ता में तो आरएलएफ का हेडक्वार्टर है, लेकिन जो आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था है उसका कार्यालय है नई दिल्ली में। अब हम बात करें उसके कार्यालय की, तो वो कार्यालय आया था कहाँ? नई दिल्ली में 2000
2011 को, पहले कलकत्ता में ही था, 2011 से ये कार्यालय नई दिल्ली में लाया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो नेपलिस का क्रियान्वयन कौन सी संस्था करती है, नेपलिस है उसका क्रियान्वयन कौन सी संस्था करती है? तो देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसका क्रियान्वयन करती है RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इसकी जब स्थापना हुई थी तब इसके अध्यक्ष जब इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसके अध्यक्ष बनाए थे DP चट्टोपाध्याय, इसके अध्यक्ष कौन बनाए? DP चट्टोपाध्याय। फिर इसकी रिपोर्ट आई थी 1986 में इसकी रिपोर्ट आई थी नेपलिस की, जो अपना नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, उसकी रिपोर्ट आई थी 1986 में। जिसके जो अध्यक्ष बनाए थे वो कौन थे? DP चट्टोपाध्याय। उसका जो क्रियान्वय है, नेपलिस का जो क्रियान्वय है कौन सी संस्था कर किसके द्वारा किया गया? RRLF के द्वारा, जो अपना राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसके द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में 9000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए, 9000 लाइब्रेरीज को जोड़ने के लिए जो 1000 करोड़ की योजना की एक अवधारणा बनाई, उसके अनुसार कौन सा संगठन जुड़ा था? तो वो जुड़ा था अपना RRRLF। ये अवधारणा जो बनाई थी, जिसमें 9000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की जो योजना बनाई थी, अवधारणा दी थी, वो बनाई थी किसने? RRLF के द्वारा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो RRLF के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? वीरेंद्र सिंह, BP बरुआ, अरुण कुमार, RD अजुले। बात करें इसके राइट क्वेश्चन की, तो राइट क्वेश्चन है इसका डॉक्टर श्री वीरेंद्र सिंह है, इसके जो डायरेक्टर हैं श्री वीरेंद्र सिंह, जो वर्तमान में हैं। बीपी बरुआ की अपन बात कर चुके हैं, RRRLF के प्रथम डायरेक्टर हुआ करते थे बीपी बरुआ। अब हम बात करें अरुण कुमार की, तो अरुण कुमार थे वो जो अपना वर्तमान के जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं, जो अपने नेशनल लाइब्रेरी के, उससे पहले हुआ करते थे अरुण कुमार। अब हम बात करें RD अजुले की, RD अजुले अपने जो वर्तमान में यूनेस्को है, यूनेस्को के जो वर्तमान अध्यक्ष जो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं, वो एक महिला हैं RD अजुले नाम की, तो वो हैं। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो हम वीरेंद्र सिंह इसके राइट आंसर हैं। अब हम बात करें डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी किसका प्रकाशन है, जो डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज किसका प्रकाशन है? तो देखिए, वो प्रकाशन है अपना RRRLF का, RRRLF जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसके द्वारा डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी का प्रकाशन किया जाता है। अब हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो ISBN प्रदान करने वाली संस्था का कार्यालय कहाँ है? वो कहाँ है? नई दिल्ली में। कब लाया गया? 2011 में। नेपलिस का क्रियान्वयन कौन सी संस्था करती है? तो वो करती है RRRLF संस्था है जो नेपलिस का क्रियान्वयन करती है। जब नेपलिस की स्थापना हुई थी तो उसके अध्यक्ष बनाए थे अपने DP चट्टोपाध्याय, और उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी? 1986 में। 9000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा, जिससे कौन सा संगठन जुड़ा है? उससे संगठन जुड़ा है अपना RRRLF। RRLF के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो उसके वर्तमान डायरेक्टर है श्री वीरेंद्र सिंह। डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी का प्रकाशन कौन करता है? तो वो करता है RRRLF। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करें इसके और क्वेश्चनों की। तो देखिए, जैसे इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो अपना RRRLF है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, वो कौन से पुस्तकालयों से संबंधित रखता है? तो वो अपनी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, उनसे संबंध रखता है RRRLF। क्योंकि मैंने आपको पहले ही पहली वाली क्लास में बताया था कि कहीं ना कहीं जैसे RRRLF आता है वहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय आते हैं, और जहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय आते हैं वहाँ RRRLF आता है। अब हम बात करें इसके एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो इसका RRRLF अपना, उसका रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के तहत हुआ था? तो देखो, वो हुआ था पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, अपने जो वो एक्ट बना था 1961 में, तो उसके अनुसार इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब ऐसे ही कई क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो ये है कि जैसे ये सब मैंने बता ही दिया आपको, नेपलिस वगैरह और जो भी है ISBN प्रदान करवाती है। अब देखिए दोस्तों, कई लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कौन सी बुक अच्छी है? तो देखिए, बुक सारी अच्छी हैं, पढ़ने वाला अच्छा चाहिए, और आप मतलब जो भी पढ़ रहे हो उसको सेलेक्टेड पढ़ो, ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ रहे हो उतना सफिशेंट है। और कई के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप पूरी क्लास करवाओगे क्या?
तो देखिए मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सकेगा मेरे से तो मैं पूरी क्लास करवाने की कोशिश करूँगा, बाकी देखो आपका सहयोग है जितना हो सकेगा मैं करवाने की कोशिश ही करूँगा। बाकी आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे उन कमेंट्सों से आप मतलब हौसला मिलता है, तो यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू दोस्तों।